क्वेश्चन नंबर थ्री देखो बच्चे, इन गिवन फिगर डायग्राम आपको दे रखा है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल यानी ओ वृत्त का केंद्र है। ए ओ बी 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ओ है 3 सेंटीमीटर यानी रेडियस त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है, छायांकित भाग का एरिया निकालना है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, 15.2 में अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके, वही चीज है लघु वृत्तखंड, हिंदी में, इंग्लिश में माइनर सेगमेंट, जो शेडेड पार्ट है ना वो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी थीटा 90 डिग्री और 60 डिग्री हो क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो हो गया पूरा सेक्टर यहाँ तक त्रिज्यखंड हो गया, माइनस कर दो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट, क्योंकि थीटा 90 है, 60 होता तो √3/4 साइड स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात, बस ये मेथड सबसे बेस्ट अपन को अप्लाई करना है। चलो सॉल्यूशन की अपन अगर बात करें, अपने पास क्या क्या गिवन है, एक तो अपने पास रेडियस गिवन है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की त्रिज्या जिसको अपन आर से दिखाते हैं वो 3 सेंटीमीटर है। एक है एंगल थीटा जो एओबी कोण बन रहा है, एंगल यानी कि कोण जिसको अपन थीटा से दिखाते हैं वो है 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में और हमारे पास क्या है, थीटा, बस दो ही बात है, हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्र, बहुत ज्यादा आसान है, इसी को वो अभी तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बोल दिया, इसी को बोल सकता है माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड, तो भी अपनों को कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर बोल दो, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का मतलब पूरा नीचे तक, उसमें यहां से लेके ये पूरा यहां तक आ जाता है, ये तो खैर अब जान गए होंगे अब तो, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी यानी कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसमें से त्रिज्यखंड में से माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई लिख देना हिंदी वाले बच्चे, ठीक है, तो पाई की जगह 22/7, 360 अपनी जगह ही नीचे, आर अपने कितना है अपने पास 3, तो 3 × 3 क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो 3 × 3 हो जाएगा, थीटा, थीटा 90 डिग्री तो 90 डिग्री इतना हो गया, ये वाला पोर्शन माइनस 1/2 बेस, देखो 90 डिग्री जब भी हो तो ये थीटा इसके सामने वाला ये तो कर्ण है हाइपोटेनियस, इसका मतलब यही आधार है और यही बेस है, सॉरी वो हाइट है, ये तो बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया यानी कि यही आधार और वो ऊंचाई 3 × 3, ये ध्यान से समझना बच्चे, 0 से 0 9 × 4 = 36 9 × 4 = 36 और 2 की टेबल थोड़ा और हल्का हो सकता है 11, बस और कुछ नहीं कटेगा, 11 × 3 = 33 33 × 3 = 99 33 × 3 = 99 अपॉन 7 × 2 = 14 7 × 14 और इधर कोई कटेगा नहीं, तो ये ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, ये ऐसा होता है तो 9/2। अब चाहो तो आप एलसीएम से भी कर दो या फिर पॉइंट में निकाल के भी कर दो, दोनों ही सही है। चलो इस यहाँ के बाद यहाँ देख रहे हैं, एलसीएम से कर लेते हैं अपन, एलसीएम आएगा 14, तो यहाँ तो 99 है बच्चे, और इधर आ गया 7 × 7 = 63 तो माइनस कर दो, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में 6 गया तो 3 36/4 थोड़ा सा हल्का कर लो, सिंपलेस कर लो, 2 की टेबल से 7 बार, ये 2 की टेबल से 18 अब तो कटेगा नहीं, तो 7 × 2 = 14 7 × 2 = 14 पॉइंट बच गया 4 0 7 × 5 = 35 फिर बच गया 5 7 × 3 = 49 7 × 3 = 49 तो अप्रोक्स 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि एक डिजिट और भी निकाल सकते हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट वैसे बहुत होते हैं, तो 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड पार्ट है इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।